ताना बाना मोहब्बत का बुनते रहे। तुम अभी भी परेशान हो ना? नहीं तो रहने दो, तुम्हारी शक्ल से साफ पता चल रहा है। किसकी कॉल है? अब्बू की। तो उठाओ ना। नहीं, मुझे उनसे बात नहीं करनी। क्या हुआ? पहले कॉल नहीं लग रही थी, अब कॉल जा रही है तो लाइन काट रहा है। जैन की नौकरी गई थी, कम से कम आप लोग उसे तसल्ली तो देते। मगर जोया, जैन कहाँ है? क्या फर्क पड़ता है जैन कहाँ है? अरे हुआ क्या है ये आप पूछ रही हैं? जब आपके बेटे को आपकी सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त तो आपने उसे घर से निकाल दिया और ये तक कह दिया कि अपनी बीवी से भी कह देना इस घर में कदम ना रखे। क्या ये किसने कहा तुमसे? जैन ने। आपके गाड़ी से निकलने का इन्विटेशन दूं? शर्म नहीं आती? शर्म आती होती तो ऐसी हरकतें करता है? ये क्या बचकाना हरकतें हैं जैन? वो अंदर चल के बात करें या पूरा मोहल्ला देख लेगा, है ना जोया? मुझे अब तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। इसमें साफ साफ लिखा है कि ना ही तुम मुझसे झूठ बोलोगे और ना ही ऊंची आवाज में बात करोगे। कल से लेकर आज तक तुम दोनों काम कर चुके। जोया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी इसलिए मैंने बोल दिया। जैन, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। जोया, तुम क्या छोटे से झूठ की वजह से मुझे माफ भी नहीं कर सकती? जैन, झूठ के लिए तो मैं तुम्हें माफ कर दूं, लेकिन उसका क्या जो तुम्हारी वजह से मैंने घर वालों से इतनी बदतमीजी की है, वो मैं कैसे भूलूं? सोने के लिए मुझे कोई जगह चाहिए। नहीं भाई, नहीं, आप मेरे कमरे में नहीं सो सकते। मैं रात भर आपके खर्राटे नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। बिल्लू, बहुत बुरी बात है, बड़े भाई हैं वो तुम्हारे। पप्पो, कोई बात नहीं, मैं और सो जाऊं। गुस्सा हमेशा वक्ती होता है बेटा, और ऐसे रिश्तों में तो ज्यादा देर नाराजगी चलती ही नहीं। तुम देख लेना, कल तक वो ठीक हो जाएगी। पता नहीं दादी। अरे मैं जो कह रही हूं, उसको कमरे से बाहर नहीं निकालना चाहिए था मुझे। ये तो नाराजगी के इजहार का एक तरीका है और कुछ नहीं, और तुम भी और कुछ मत समझना। मैं क्या समझूंगा? अरे बेटा, मर्द की अना बड़ी खतरनाक चीज है। अगर मर्द की अना को ठेस पहुंच जाए ना, तो बहुत मसला हो जाता है। इसलिए समझा रही हूं कि इस बात को अना का मसला मत बनाना। जोया और मेरे दरमियान कभी मेरी अना नहीं आई। मैं जोया के बारे में जब भी सोचता हूँ, सिर्फ दिल से सोचता हूँ। मैं जोया के लिए मेरे दिल में मोहब्बत के सिवा और कुछ भी नहीं है। शाबाश, ये तो बहुत अच्छी बात है, बस ऐसे ही रहना। मोहब्बत में बड़ी ताकत है बेटा, मोहब्बत हर काम बना देती है, और जहां कोई काम बिगड़े, समझ जाओ मोहब्बत में कमी है। जोया को क्यों नहीं नजर आता मैं उसे कितनी मोहब्बत करता हूं? ऐसा नहीं है पगले, ऐसा तुम्हें लगता है, वरना मोहब्बत कोई छुपने वाली चीज है भला? आपको लगता है वो सुबह तक ठीक हो जाएगी? इंशाल्लाह जरूर ठीक हो जाएगी। अब तुम सुकून से सो जाओ। चलो, शाबाश। बड़ा तरस आ रहा है मुझे अपने बेटे के ऊपर, चारा मासूम। अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? आपसे बात कर रही हूँ। हाँ तो वही, रात को ही उसको बोल देती ना कि यहाँ पर आकर सो जाए। अरे मैं क्यों बोलती? अच्छा है,
उसको भी फर्क पता चले माँ बाप और बीवी में। माँ बाप ना हर गलती माफ कर देते, बीवियां नहीं करती। वैसे फौजिया, जैन ने जो हरकत की है, मैं तो कहता हूँ जोया जो कर रही है ठीक कर रही है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, अपनी सगी औलाद की तरफदारी करने के बजाय एक बाहर से आई हुई गैर लड़की की हिमायत कर रहे। खुदा का खौफ करो फौजिया, ये बाहर की लड़की क्या होता है, अरे बहू है हमारी, बल्कि बेटी है। हानी वो सब ठीक है, लेकिन बेटा तो हमारा सगा है ना। अब ये क्या हरकत हुई, मेरे मासूम गरीब बच्चे को कमरे से बाहर निकाल खड़ा कर दिया, भला बताओ ऐसे। हाँ तो मैं क्या कह रहा हूँ, आ जाओ बेटा आ जाओ। अबू मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे बेटा किस लिए? कल मैंने आप लोगों से बहुत बदतमीजी की है, प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं बहुत बुरा फील कर रही हूँ। ना ना बेटा ऐसे नहीं कहते, आपकी कोई गलती नहीं है, बल्कि आपने तो अच्छा किया जो रिएक्ट किया, सारी बात खुल के सामने आ गई, वरना पता नहीं कब तक वो आपको ऐसे ही बेवकूफ बनाता रहता। लेकिन मेरा खेल खत्म नहीं हो रहा है अबू, मेरी अम्मी ने मुझे हमेशा सिखाया था कि बड़ों से बदतमीजी से बात मत करना, और मैंने वो ही किया, प्लीज मुझे माफ कर दे। अरे बच्चे आप रो क्यों रहे हो, इधर आओ बैठो, यहाँ बैठो, शाबाश, अरे आओ ना, शाबाश। बस 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 अच्छा बस रो नहीं, ये सही कह रहे, तुम्हारी तो कोई गलती है ही नहीं। अच्छा चलो ठीक है, बस रो नहीं, मुझे नाश्ता बनाना है ना जरा। लेकिन आपने मुझे माफ तो कर दिया है ना। सुनिए जी, जरा एक स्टैम्प पेपर तो मंगा दे, उस पे लिख के दूं इसे कि मैंने माफ कर दिया। बिल्कुल बावली है, किचन में जा रही हूँ नाश्ता बनाने, आ जाओ। कैसा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जोया मैं पूरी रात ठीक से सो नहीं सका। मैंने तुम्हें मना किया था ना कमरे में आने से। तुम तो यूनिवर्सिटी जा रही थी ना अभी, तो लॉक करके जाऊंगी कमरा। जोया प्लीज ऐसे मत करो, जिंदगी थोड़ी आसान बना दो, इतनी मुश्किल क्यों बना रही हो? जिंदगी को मुश्किल तुम बनाते हो जैन, राय का पहाड़ बनाने में तो माहिर हो ही। मेरे घर वाले ये कर देंगे, मेरे घर वाले वो कर देंगे। अरे घर वालों में कोई मसला नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, मसला तुम में है। जोया मेरी बात सुनो, मैं मुझे पता है मेरे में मसला है, मैं चीजों को थोड़ा ओवर एनालाइज कर लेता हूँ, मैं पाइसेस हूँ ना। पाइसेस नहीं हो तुम, पागल हो। जोया प्लीज मुझे इस ना कमरे से बाहर ना निकालो, मैं जिंदगी थोड़ी आसान बना दो प्लीज। अच्छा ठीक है, बनाते हैं लाइफ आसान। तुम्हें लगता था ना कि तुम्हारी जॉब छूटने की वजह से घर वाले तुम पे गुस्सा करेंगे, और उन्होंने नहीं किया। हाँ इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी बता ही देते हैं घर वालों को। नहीं जोया तुम पागल हो, मेरे घर वाले जान से मार देंगे मुझे। नहीं मारेंगे, तुम ओवर एनालाइज कर रहे हो, पाइसेस हो ना शायद इसलिए। जोया जोया मुझे आपका वो गोश्त दिखाना है। अरे अरे जैन क्या क्या हो रहा है? आराम से। अरे क्या है? लो तुम खुद देख लो,
जैन, तुम कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? अब्बा वो मैंने इसका सारा क्रेडिट जैन को जाता है। हाँ भाई जाहिर है, जितनी कुर्बानियां जैन ने दी हैं, रिजल्ट तो ये आना ही था। ओह, जोया की रिजल्ट है? देखो तो जरा, हर सब्जेक्ट में ए प्लस आया। मुबारक हो। अरे वाह, ये तो जबरदस्त है भाई। माशाल्लाह, जीती रहो, कमाल कर दिया तुमने। ना भाई, जोया ये सब क्या था? डेमो दे रही, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। हालांकि तुमने मुझसे झूठ भी बोला है और ऊंची आवाज में बात भी की है। उसके लिए मैं तुम्हें सॉरी कह भी चुका हूँ। जैन, सॉरी कहना हर मसले का हल नहीं होता है। तुम्हारी वजह से मैंने घर वालों से बदतमीजी की है, तुम्हें कुछ एहसास है? मैं समझ सकता हूँ। नहीं समझ सकते ना, यही तो बात है। तो फिर क्या करूँ? क्या इतना बड़ा गुनाह कर दिया मैंने? अपने आप को जाके फांसी पर चढ़ाऊंगा तभी जाके तुम्हें तसल्ली होगी। तुम फिर मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। अच्छा सॉरी। अच्छा अब सोने वोने की कोई जरूरत नहीं, मैं क्लास के लिए लेट हो रही हूँ, यूनिवर्सिटी ड्रॉप करो मुझे। पूरी रात का जागा हुआ हूँ, सोया नहीं हूँ। तो मैं क्या करूँ, रिक्शे में जाऊँ? अच्छा तुम जाके नाश्ता करो, मैं तैयार होके आता हूँ। जल्दी आना। जोया, जोया बेटा, कहाँ जा रही हो? यूनिवर्सिटी जा रही हूँ दादी। कैसे? जैन के साथ आ रहा है वो अभी। अच्छा, अब जरा बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जोया बेटा, रात को जब तुमने जैन को अपने कमरे से निकाला तो वो मेरे पास आ गया था और उसने मुझसे अपने दिल की सारी बातें कही। तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। दादी मैं जानती हूँ, लेकिन आप ये भी तो देखें ना, उसने कितना बड़ा झूठ बोला है मुझसे। बेटा वो भी तुम्हारे गुस्से की वजह से बोला था, वो नहीं चाहता था कि तुम गुस्सा करो। जैन बहुत ही हसास बच्चा है, वो तुम्हें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। जरा सा तुम भी उसके दिल का ख्याल रख लो। जी दादी। चलो जोया। नहीं तुम रहने दो, मैं अपनी दोस्त को कॉल करके बुला लूंगी। मैं छोड़ा था हूँ। मैं चली जाऊंगी, तुम रहने दो। तुमने तो मुझे कहा था कि यूनिवर्सिटी छोड़ के आना है। अब मैं खुद कह रही हूँ कि जाके सो जाओ, आराम करो। ये ख्याल आपको पहले नहीं आया? अरे बेटा नहीं आया पहले ख्याल, क्यों बहस किए जा रहे हो? खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। जैन भाई आप वहाँ क्या कर रहे हैं? मामू आपको बुला रहे हैं, जल्दी आए। जी अबू आपने बुलाया था? हाँ जैन, हाँ बात करनी है तुमसे। जी ये बताओ कि नौकरी का क्या करना है? वो सीवी दिया कुछ दोस्तों को, तो वो बता देंगे। हाँ लेकिन ये वाली नौकरी जाने की वजह क्या थी? वो परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस? तुम कह रहे हो कि तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी? नहीं मैं नहीं मान सकता। अबू असल में ऑफिस में काम करते करते सो गया था। वो क्यों? घर में नींद पूरी नहीं होती, जोया रात को पढ़ती है तो लाइट ऑन रहती है और मुझसे लाइट में सोया नहीं जाता, और दिन भर किचन में काम करता था तो थक जाता था। अल्लाह की पना,
ये मैं क्या सुन रही हूँ? बेटू, आज तुम्हारी अम्मी की सालगिरह है। ऑफ कोर्स मुझे पता है, मैं उधर फेसबुक पे विश भी कर चुका हूँ। लेकिन उसे लग रहा है कि मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है। अब वो जब स्कूल से आएगी तो हम उसको सरप्राइज देंगे। अब्बू, अम्मी को अच्छी तरह पता है कि आप भूल नहीं सकते। वो एक्टिंग कर रही हैं और आप भी एक्टिंग कर रहे हैं, और जब हमेशा की तरह आप उन्हें सरप्राइज देंगे तो वो ऐसे बिहेव करेंगे जैसे वो कोई असल का सरप्राइज है। इतना फेक लगता है आप दोनों का ये बर्थडे सरप्राइज वाला गेम। मेरा जी, इसी को सेटिंग बनाना कहते हैं। अब चल मेरे साथ, केक लेके आते हैं। चला, आज, आज। पहले ही शक था मुझे, तो यही बात होगी। आपको कैसे शक था? बेटा, पूरी पूरी रात जागोगे तो यही होगा ना। ऊपर से तुम्हारी बीवी के नखरे खत्म नहीं होते। निकाल दिया ना तुम्हें कल रात कमरे से बाहर उसने। अम्मी, वो गुस्सा थी इसलिए। और खिलाओ उसको पिज्जे। तुम तो उसके आगे पीछे चले जा रहे हो, और वो कोई कसर नहीं छोड़ती तुम्हारी इज्जत नफ्स मजरू करने में। अम्मी, ऐसी भी बात नहीं है, वो नाराज है। नाराजगी में तो सब कुछ चलता रहता है। बस अब तुम कुछ नहीं बोलोगे। जोया की वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई। अब मैं उससे बात करूंगी और दो टोक लहजे में बात करूंगी। अम्मी, आप प्लीज कुछ मत कहिएगा। क्यों ना कहूँ? हाँ, तुम्हारे काबू में तो बात ही नहीं। हद होती है हर बात की। अरे, वो कह रहा है ना कि बात करेगा। आपको लगता है ये बात कर सकेगा? मैं कह रहा हूँ मैं बात कर लूंगा अम्मी, बस प्लीज आप कुछ मत बोलिएगा। ठीक है, जाओ करो बात। आज शाम से वो मुझे किचन में चाहिए। अब घर की सारी जिम्मेदारियां वो संभालेगी। बस बहुत गुजार ली उसने जिंदगी अपनी मर्जी से। मगर वो तो मैं चाहता था कि वो घर के काम मत करे। तुम फालतू बातें करना बिल्कुल बंद कर दो जैन। जाके उससे बात करो, कहो उससे आज शाम से वो किचन में आए, वरना मैं खुद करूंगी उससे बात। अच्छा, मैं करता हूं। कर लेना तुम बात उससे, समझे? सोए नहीं तुम? सोया था। गुड। जोया, एक बात करनी थी। आज दिन कैसा गुजरा? अच्छा था। असाइनमेंट मिला कोई? बहुत सारे, और मैंने एक फैसला भी किया। कैसा फैसला? से मेरे कुछ असाइनमेंट तुम करोगे। मैं? हाँ, जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिल जाती थोड़ा बहुत मेरा काम है हाथ बटा दो। लेकिन जोया, मैं... लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मेरे बैग से बिजनेस इंग्लिश का असाइनमेंट निकालो और वो करना शुरू करो। मैं आज से थोड़ा वक्त किचन में दूंगी। तुम्हें अम्मी ने कुछ कहा है? नहीं। तो फिर ये फैसला किसका था? भाई, मेरा खुद का फैसला है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगा। काम ना करना भी तुम्हारा फैसला था, काम करना भी तुम्हारा फैसला है। दोनों मेरे ही फैसले हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि पहले मुझे असाइनमेंट करने होते थे और मेरे पास किचन में वक्त देने के लिए टाइम नहीं होता था। अब तुम मेरा असाइनमेंट किया करोगे तो मुझे टाइम मिल जाएगा। और वो शर्त? जब तक तुम जॉबलेस हो, समझो वो शर्त मैंने माफ कर दी। क्या याद करोगे? शाबाश, असाइनमेंट निकालो और करना शुरू कर दो। जोया, असाइनमेंट। भाभी। भाभी, आप जेबी की पसंद का कुछ बना दें। आपको जो भी सामान चाहिए मैं बाहर से ला दूंगा, बस तीन सी सेटिंग बना दें। लेकिन उसको तो सिर्फ बिरयानी पसंद है। तो बस बिरयानी बना दें। अच्छा, चलो बना दूंगी। सलामत रहें भाभी, आप जैसी फरिश्ता सिफ्त औरत मैंने नहीं देखी।
ये काम निकालने के बाद दुआएं देना भिकमंगों का तरीकेकार होता है। जो दिल से दुआ देते हैं ना, उनको इतनी बातें करने की जरूरत नहीं होती, कभी भी दुआ दे सकते हैं। अरे भाभी, मैं तो हर नमाज में आपकी सेहत और सलामती की दुआएं मांगता रहता हूँ। शाहिद, ये तुम ओवर एक्टिंग करना कब छोड़ोगे मेरे सामने? जाओ, बोल दिया है ना, बना दूंगी। भाभी हाँ, अब बहुत अच्छी। सॉरी। जी फरमाइए। मैंने सोचा आज आपके साथ काम में हाथ बटा दूं। ताना बाना मोहब्बत का बुनते रहे। अब मैंने क्या कर दिया? तुमने नहीं, तुम्हारे अब्बा ने। उन्होंने क्या किया? तुमसे बात के बगैर नहीं मेरा दिन गुजरता, थोड़ा सा तो नॉर्मल हो जाओ। ठीक है, तुम अपनी सारी सेविंग्स निकाल कर मुझे दे दो। क्या कर रही हो? मजा नहीं आ रहा। I'm really sorry. क्या सॉरी सॉरी, हद हो गई है। ताना बाना मोहब्बत का बुनते रहे।